हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और इस वीडियो में अगेन एक नए गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ये जॉब आपकी आरबीआई में निकली हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज असिस्टेंट की पोस्ट पे। वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब आप बोल सकते हैं। अगर आप एज अ फ्रेशर हैं या फिर जो लोग ऑलरेडी जॉब में है ना, तो वो लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं और काफ़ी प्लस पॉइंट हैं इस जॉब के। ऑलमोस्ट सारे ही प्लस पॉइंट हैं अगर आप इस जॉब को ले लेते हैं तो। ओके, तो पहले इसके प्लस पॉइंट देख लेते हैं। एक तो इसमें सैलरी काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है एंड इसमें आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना होता। प्लस आप जब इसको मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, वहां पे आपको मतलब किसी भी ऐसे आपको किसी भी जो पब्लिक है उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करना होता, आपको फाइल वर्क करना होता है। ओके, तो काफी अच्छा और आप बोल सकते पीसफुल जॉब है। आप अगर चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के रिगार्डिंग, और अगर इसकी कंप्लीट डिटेल देखनी है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। ओके, एंड इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी। तो आप इस वीडियो के एंड में अगर मैं कुछ भी स्किप कर रही हूँ या आपको एडिशनल जानकारी चाहिए, आप नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिएगा। अगर स्टिल कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस जॉब के लिए डेट्स आपकी जो ओपन हुई थी आपकी 13 सितंबर से ओपन हो गई थी। इसके फॉर्म आप भर सकते हैं 4th ऑफ अक्टूबर तक। फॉर्म फीस अगेन आपकी 450 रखी गई है। नॉर्मली है अगर हम ऐसे बैंकिंग को लेके चला तो 800-900 फॉर्म फीस आजकल हो रही है बैंक के एग्जाम्स की, बट यहाँ पे 450 आपकी फॉर्म फीस रखी गई है। जनरल ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और SC ST वालों के लिए आपकी 50 रुपीज फॉर्म फीस है। ओके, वैकेंसीज हैं वो आपकी 450 टोटल वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये रीजन वाइज डिवाइडेड हैं तो इसको आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जाके। आप जिस भी रीजन से, जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। बट यहाँ पे, और ये ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलरली अपनी ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, आप दूसरी स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज यही है कि आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि मैं हिंदी जैसे अभी बोल रही हूँ, तो अगर आपको हिंदी समझ आ रही है तो हिंदी पे भी ना कई सारे जगह हैं वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो। एंड इसी तरीके की अगर आपकी अदर लैंग्वेज है, मराठी है, गुजराती है, तो आप अपनी जो भी आपकी स्टेट है, जो भी आपका लोकेशन है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 से 28 एज लिमिट इसमें रखी गई है, 20 मिनिमम एंड 28 मैक्सिमम। या मतलब अगर आप 2nd of September 1995 से 1st of September 2023 तक बॉर्न हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है ओबीसी के लिए और अदर जो कैटेगरी है एज पर द गवर्नमेंट रूल। ओके, एंड अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगेन इसमें ग्रेजुएशन रखा गया है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 3 स्टेजेस में रहेगा। प्री, मेंस एंड लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT, जो कि क्वालिफाइंग नेचर रहेगा आपका, एंड जो प्रीलिम्स होगा ये भी क्वालिफाइंग रहेगा। मेंस जो है आपका वो मेन एग्जाम है, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। ओके, तो आप जब प्री एग्जाम देंगे, प्री में आपके 3 सेक्शंस आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश आएगा, 35-35 आपके मैथ्स और रीजनिंग आएंगे। एंड इसमें अगर आपको इस एग्जाम के लिए, पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो या ऑलरेडी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिए इस एग्जाम में ना क्वेश्चंस इतने टफ नहीं पूछे जाते, बट स्टिल आपकी स्पीड मैटर करती है। तो अगर आप सोच रहे हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, अभी से बेसिक्स क्लियर करके जितना हो सकता है उतने मॉक्स दीजिए, उतने मॉक्स को लगाइए, और जो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं उसको मॉक देने के बाद में एटलीस्ट 1 से 1.5 आवर और 2 आवर आपके जो आपने मॉक दिया हुआ है उसमें स्पेंड करो, ताकि आपको समझ पाओ कि मैं कैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को और कम टाइम में कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि इसमें स्पीड नो डाउट बहुत मैटर करती है, इसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है। ओके, एंड कट ऑफ भी आपकी रीजन वाइज बनेगी, अलग अलग कट ऑफ बनती है।
तो ये डिपेंड करता है, और जो टॉप 5,000 स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट होंगे आपकी प्री में। उसके बाद में वो लोग मेंस के लिए जाएंगे। मेन 5 सेक्शंस होते हैं जिसका रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। सारे ही सेक्शन आपके 40-40 मार्क्स के आते हैं। टोटल आपके 200 मार्क्स का पेपर होता है और 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का रहता है ये। 135 मिनट आपको मिलते हैं और ये टाइम ही ना डिवाइडेड है, हर एक सेक्शन आपका मिनट्स में डिवाइड है। यानी कि आपका जो प्री था वो ना आपका 20-20 मिनट्स में डिवाइड था। 3 सेक्शन 60 मिनट में आपको वो प्री करना था। अभी यहाँ पे आपका 135 मिनट का टोटल रहता है। तो इसमें आपके जो सेक्शन वाइज अगर हम टाइम की बात करें तो आपकी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में 30 मिनट 30 मिनट आपको मिलेगा, जनरल अवेयरनेस में 25 मिनट एंड कंप्यूटर में 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा। टोटल 125 मिनट मिलेगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग आपकी प्री में भी रहेगी, मेंस में भी रहेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी पोस्टिंग की। तो देखिए, पोस्टिंग इसमें ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। जहां से आप अप्लाई करते हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल ही रहे हैं, इसकी सैलरी। सैलरी क्या रहेगी? तो सैलरी भी ना वरी करती है लोकेशन के अकॉर्डिंगली। अगर आप किसी हाई सिटी में जा रहे हो, लाइक आप मुंबई में या दिल्ली में वर्क कर रहे हो, तो वहां पे जो आपकी सैलरी रहेगी वो काफी हाई रहेगी एज कंपेयर टू अदर लोकेशन। ओके, क्योंकि वहां पे मतलब आपका वर्कलोड भी ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी सिटी है तो वर्कलोड ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा वहां पे। एंड आपकी जो सैलरी रहेगी ये 47,000 से आपका 58,000 तक वरी करेगी, डिपेंड करेगा लोकेशन पे। ओके एंड आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं इस जो पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, मैं वो सारे क्लियर कर पाई होंगी। एंड अगर आपको फर्दर कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन और सिलेबस को चेक करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।